हाय गाइस, आज की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी टू डिफरेंट स्टाइल साइड रैपिंग ट्यूटोरियल। फर्स्ट स्टाइल में हम सिंपल साइड रैप सीखेंगे एंड सेकंड स्टाइल में हम गुजराती साइड रैप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं साइड रैप करने वाली हूँ। थोड़ी सी टिशू सिल्क टाइप की साड़ी है, तो सबसे पहले हम साड़ी को ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम अपनी साड़ी में एक राउंड लगाएंगे। राउंड लगाते वक्त हम अपनी लेंथ मेज़र करेंगे, हमें कितनी लेंथ चाहिए। अगर आप विगनर्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा नीचे साड़ी ना बांधें, थोड़ा सा ऊपर ही अपनी लेंथ रखें साड़ी की। ऊपर से पेटीकोट आप अपनी मर्जी से बांध सकते हैं, जितना आप बांधने में कंफर्टेबल हो। अगर आप बेली बटन से ऊपर बांधने में कम्फर्टेबल हो तो आप हाई वेस्ट साड़ी ड्रेप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लो वेस्ट भी कर सकते हो मेरी तरह। एंड गाइस, अगर आपको मेरी साइड रैपिंग ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम अपनी पल्लू प्लीट्स बनाते हैं हमेशा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मैं स्टेप बताती हूँ आप उन्हीं स्टेप से अगर साइड ड्रेप करोगे तो आपकी साड़ी बिल्कुल परफेक्टली ड्रेप होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी साइड ड्रेप करते वक्त। अगर आपको अपनी साड़ी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देना है तो आप अपनी साड़ी की जो पल्लू प्लीट्स होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चौड़ा ना बनाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ी सी 3 से 4 इंच तक की चौड़ी प्लीट्स बनानी है, उससे ज़्यादा चौड़ी प्लीट्स नहीं बनानी है। अदरवाइज़ अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है तो आप अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग प्लीट्स बना सकते हैं। अब सारी पल्लू प्लीट्स बनाने के बाद हम थोड़ा सा इस तरीके से झटकेंगे ताकि हमारी जो प्लीट्स हैं अपनी लेवल तक आ जाए नीचे तक। अब हम अपनी पल्लू लेंथ मेज़र करेंगे, जहाँ तक हमें पल्लू लेंथ चाहिए वहाँ हम अगेन अपनी सारी प्लीट्स को रीअरेंज करते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। थोड़ा थोड़ा गैप की दूरी पे हम सारी प्लीट्स को उसी अकॉर्डिंग से लगाएंगे जैसे हमने ऊपर पल्लू प्लीट्स बनाई थी। अब सारी प्लीट्स को झटक के हम अपने शोल्डर पे एक पिन लगा के अपनी सारी प्लीट्स को टक कर लेंगे। शोल्डर पे पिन लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो अपनी पिन लगाओगे शोल्डर पे तो आपको ब्रा स्ट्रिप को अटैच करते हुए पिन लगानी है। एंड सेकंड बात, आपको जो पिन लेनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली पिन नहीं लेनी है, थोड़ा जो मीडियम साइज़ की पिन होती है वही यूज़ करनी है आपको। शोल्डर पे पिन लगाने के बाद अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं, उसमें हम अपनी अपर फ्रंट प्लीट सेट करते हैं। अपर फ्रंट प्लीट्स भी हम उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे जिस तरीके से हमने शोल्डर प्लीट सेट की थी अपनी, उसी हिसाब से अगर हम अपनी सारी प्लीट सेट करेंगे तो हमारी जो अपर फ्रंट प्लीट की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगी। तो चलिए अब हम अपनी अपर फ्रंट प्लीट सेट कर लेते हैं, सारी प्लीट्स को हम रीअरेंज करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारी सारी अपर फ्रंट प्लीट सेट हो चुकी हैं। इसके बाद इस तरह से हमें अपनी प्लीट्स को उठाना है, जो हमारी पहले वाली प्लीट्स हैं टाइटली उठाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमें वो प्लीट्स नहीं चढ़ानी है। एंड पीछे से एक राउंड देते हुए हम उसी प्लीट्स को अपनी कमर पे ले आएंगे एंड हम अपनी कमर फिटिंग बनाएंगे। कमर फिटिंग बनाने के लिए आपको इस तरह से अपनी साड़ी को कमर पे तिरछा रखना है एंड छोटी छोटी सी प्लीट्स डालनी है एंड एक पिन लगा लेंगे। हम काफ़ी अच्छे से अपनी सारी प्लीट्स को खींचेंगे ताकि हमारी जो प्लीट्स है ऊपर से फोल्ड ना हो, बिकॉज गाइस इस साड़ी में कोई भी बॉर्डर अटैच नहीं है तो ये साड़ी, इस तरीके की जो साड़ी होती है वो थोड़ा सा कमर से फोल्ड हो जाती है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमारी साड़ी फोल्ड ना हो। उसके बाद हम एक पिन लगा लेंगे, सारी प्लीट्स को अरेंज करके एक पिन लगा लेंगे। गाइज़, आप यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने जो पिन लगाई है वो लिटा के पिन लगाई है, आपको भी इस तरह लगानी है। एंड उसके बाद थोड़ा सा अपनी साड़ी को इस तरह से नीचे खींचना है ताकि हमारी जो कमर पे फिटिंग है वो काफ़ी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग अपनी जगह पकड़ ले। फिर उसके बाद हम अपनी लोअर फ्रंट प्लीट्स बनाएंगे। लोअर फ्रंट प्लीट्स बनाने के लिए हमें इस तरह से अपनी साड़ी को जो बेली बटन होती है उससे 2 इंच आगे से बनाना स्टार्ट करनी है। एंड पहली प्लीट्स को हम 1/2 इंच बड़ा रखेंगे एंड उसके बाद सारी प्लीट्स को हम 1 बाय 1 अरेंज करेंगे। सारी प्लीट्स को हम बनाते वक्त झटकते जाएंगे ताकि हमारी जो प्लीट्स हैं नीचे तक अपनी जगह पकड़ लें। तो
देखिएगा साई लोअर फ्रंट प्लीट्स बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब सारी प्लीट्स को हम अरेंज करेंगे ताकि हमारी प्लीट्स जो चलते फिरते वक्त इधर उधर ना भागें, अपनी जगह सेट रहें। सारी प्लीट्स अरेंज करने के बाद हम इसमें एक पिन लगा लेंगे, उसके बाद हम आगे तक और सारी प्लीट्स सेट करेंगे। यहाँ पिन लगाने से गाइस हमें एक चीज़ की मदद हो जाती है कि हमारी प्लीट्स अब दोबारा नहीं खुलेंगी, इस चीज़ के हम श्योरिटी हो जाती है। उसके बाद सारी प्लीट्स हम आगे तक और सेट करेंगे, फिर हम सारी प्लीट्स को पेटीकोट में टक कर लेंगे। तो देखिए गाइज ये हमारी साड़ी का फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को अब तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्टाइल साइड ड्रेप, या फिर हम इसे सीधा पल्ला साइड ड्रेप कहते हैं। तो इसके लिए गाइज हमने जो शोल्डर पे पिन लगाई थी हम उसे निकाल लेंगे एंड सारी प्लीट्स को थोड़ा सा आगे से अरेंज करेंगे, बिकॉज गाइज इसमें जो हमें पल्लू लेंथ चाहिए थोड़ा सा छोटी पल्लू लेंथ चाहिए, इसलिए हम थोड़ा आगे से सारी प्लीट्स को अरेंज कर रहे हैं एंड उसके बाद थोड़ा आगे हम इस जगह पिन लगा लेंगे एंड अपने शोल्डर पर टक करके फिर अपने शोल्डर पर पिन लगा लेंगे। शोल्डर पर पिन लगाने के बाद अब हम अपनी अपर फ्रंट प्लीट्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें अपनी अपर फ्रंट प्लीट्स बनानी होती है। गुजराती ड्रेप में गाइस हम जो पल्लू होता है वो अपने फ्रंट पर रखते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है गाइस, सिर्फ हमें अपने जो पल्लू होता है वो फ्रंट पर रख लेते हैं, सीधे शोल्डर पर रखते हैं। सारी अपर फ्रंट प्लीट सेट करने के बाद देखिए इस तरह से गाइस हमें जो पल्लू का छोर है आखिरी वाला उसे इस तरीके से पीछे से राउंड देंगे एंड पीछे की तरफ टक कर लेंगे। जितना आपको टाइट पल्लू चाहिए उस हिसाब से आप पीछे टक कर सकते हो एंड यही हमारा जो गुजराती ड्रेप है या फिर सीधा पल्ला साइड ड्रेप है वो कम्प्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना गाइस।